40 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद हम आपको क्षेत्रवार तरीके से ये बताना शुरू कर देंगे कि कौन कहां पर आगे है। सबसे पहले कर्नाटक को अगर जानना है तो ये समझिए कि महाराष्ट्र कर्नाटक में जो तटीय इलाका है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि करावल का ये जो तटीय इलाका है वो हमेशा के से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ उनका बनकर रहा है। तो इस तटीय इलाके में आप देखिए कि 19 में से 16 सीटें बीजेपी की आई थी और वोट परसेंटेज तो 51% 51%। और वहीं कांग्रेस 3 पर 40% वोटों के साथ, जेडीएस लगभग 4% वोट यहां पर हासिल कर पाई थी, लेकिन सीट शून्य। मध्य कर्नाटक, सेंट्रल कर्नाटक पर आइए, यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 3 ऐसे इलाके हैं जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, जिसमें एक कोस्टल है, एक सेंट्रल कर्नाटक है जिसमें 23 में से 16 सीटें बीजेपी की आई थी, 4 सीटें कांग्रेस की, 3 सीटें जेडीएस की। अब बेंगलुरु शहर, जहां पर कांग्रेस बहुत आगे निकल गई थी, आप समझिए 11-15 हालांकि था, और पीएम ने यहां पर 2 दिन लंबे रोड शोज किए हैं, क्योंकि इस बार बेंगलुरु में अगर वो पाजी को पलट सकते हैं, 11 बीजेपी 15 कांग्रेस और 41% वोट से बीजेपी के पास 39। एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं, आपको पता है पिछली बार बाजी हारने के बावजूद कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा है बीजेपी से, अगर उन्हें 2% का एडवांटेज वोट परसेंटेज में वो ज्यादा थे, 38% और 36%, आप समझ लीजिए इससे। यानी जो कर्नाटक की जनता है वो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के साथ रही है, टिकी रही है। ये देखिए अब आप जब आप पहुंचते हैं, विधानसभा चुनाव के टोटल आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुल 6 इलाके हैं वहां पर, जिसमें हर इलाके को समझना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु शहर की अगर 28 सीटें बहुत निर्णायक साबित हो सकती है, और इसीलिए पीएम ने 2-2 रोड शोज वहां बहुत बड़े किए हैं। दूसरी तरफ अगर मध्य कर्नाटक में आप देखें तो 16 सीटों के साथ बीजेपी है। अब हैदराबाद कर्नाटक आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की 21 सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस अगर वर्चस्व को बढ़ाती है तो बाजी पलट सकती है। ओल्ड मैसूरू, वहां पर जेडीएस बहुत आगे है, 64 सीटें हैं। चलिए ये महाराष्ट्र कर्नाटक ये देख लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बीजेपी बहुत आगे है और यहां पर उनके लिए चुनौती रहेगी फिर से करना। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे, बेलगावी का इलाका 18 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी की आई थी, और जब 104 को पलट कर बहुमत का आंकड़ा किया था तो वहां से 2-3 जेडीएस के गए, 1-2 कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए थे, उपचुनाव हुआ था। ये 30 यहां लिंगायत बहुल ये पूरा इलाका है, और यहां पर पूरी ताकत झोंकी थी, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने 3 रोड शो बेलगावी में, आप सोचिए शाम में भी रोड शो, सुबह में भी रोड शो, ये उन्होंने किया था। ये 64 निर्णायक होगा क्षेत्रवार तरीके से अगर आप देखें। पुराना मैसूरु, इसके पहले जो महाराष्ट्र कर्नाटक था वो आपको बता दें, क्योंकि वहीं पर बसवराज बुम्बई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा वहां पर वो कैसे 50 सीटों में परफॉर्म करते हैं। अब पुराना मैसूरु, ओल्ड मैसूरु, डिसाइसिव 64 सीट्स, जेडीएस को बहुत एज वहां पर है, लेकिन अगर 26 जो जेडीएस ने हासिल किए थे वहां पर, ये पूरा इलाका है जहां पर उनका वर्चस्व है, अगर बाजी यहां पर पलटती है, 16 वाले बीजेपी को फायदा होता है या कांग्रेस 20 वाले कांग्रेस को फायदा होता है, तो पूरी तरह से मामला पलट सकता है उस पार्टी के पक्ष में। ये ओल्ड मैसूरू का 64 सीट्स डिसाइसिव हो सकता है।